यहाँ पे, मेरे भाई है, तो भाई बोल रहे कि जो हाथी जो मरा हुआ है बिना खाए फ्लड की वजह से, तो उसका हम कुछ व्यू दिखाएंगे, मतलब उसका झाग भी निकल चुका है ना, तो आप लोग मिलकर खिदाए हुआ है ना। तो चलो चलते हैं। तो वीडियो को अच्छे से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, अंदर की तरफ जाकर हम और व्यू दिखाने वाला है। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी का मौत जो हुआ है, और सुना है कि हाथी का पेट में बच्चे भी था, तो फ्लड की वजह से कुछ खाने का कुछ नहीं मिला, उसी तरह से हम सुना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ है इसका अंतिम संस्कार के लिए, तो हम आगे की तरफ हम दिखाने वाला है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। मालूम नहीं चला, मालूम चला गैस करने में गैस निकला है, मतलब हाथी की वजह से भी हो सकता है ना, गैस का नहीं, वो प्लाट की वजह से, प्लाट की वजह से पानी में ज्यादा पानी ज्यादा। Thank you.
ऑस्कर आप देख सकते हो हाथी का दर्दनाक जो मौत है बिना फ्लड की वजह से, काफ़ी मतलब दर्दनाक दुखद का घटना है। पेट में सुना है कि पेट में बच्चे भी हैं, तो अभी मतलब कैसे मरा हाथी भाई? कैसे मरा अभी तक तो मालूम नहीं हुआ। तो फिलहाल तो फ्लड की वजह से ही होगा ना शायद? शायद हो सकता है, हो सकता है। तो पूरा कैसे पता चला हाथी अंदर में मरा? कितने आगे पहला खबर हुआ इसका? डेटिंग करने आया था आदमी, हाँ तो वहाँ देखा है, देखा इसके बाद तो क्या करेगा सब हाहाकार है चारों तरफ। मच लेटर पहुंच चुका हूं मैं जहां कटहल तले और मिली कुश्ती का बॉर्डर जहां पे फ्लैट है वहां पहुंच चुका हूं, और किस तरह से फ्लैट का कंडीशन है आप सबको दिखाने वाला हूं। और आप देख सकते हैं यहां पे काफ़ी लोग हैं, यहां पे तुम्हें वो काफ़ी बढ़ चुका है दोपहर का, सुबह की तादाद से पानी का जो वेव है काफ़ी लहर जो है काफ़ी बढ़ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ से। चौड़े ये कोई पोन नहीं है, ये कोई मतलब ये लीवर नहीं है, ये देख सकते हैं सिंपली रास्ते हैं, और ये रास्ते का उस पार काफ़ी लोग रहते हैं और वहाँ के लोग दम घोते हुए किस तरह से बाहर निकलेंगे फ्लैट का। अभी भी जो परिस्थिति है काफ़ी ख़राब है, उस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी तादाद में फ्लैट की जो ये है पानी जो है काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पर। और उस तरफ दो तीन गांव है यहाँ पे, हवाईपुर है, उसके कटहल तली है, बैग गांव, उसका फकीर बस्ती, और अंदर पे एक और एक गांव है, बड़ा गांव है जहाँ कपली की नदी के पास। तो यहाँ से ये रास्ते है और अब ये नदी कोई नहीं है। ये कोई समुद्र नहीं है, ये रास्ता है, तो समुद्र की तरह लग रहा है ना अभी ना, समुद्र ही समुद्र है। फिलहाल अभी ना फकीर बस्ती वाला रास्ता पहुंच चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पथार है तो वहाँ पे भी कभी डूब चुका है फकीर बस्ती का गांव, आप देख दिखाने वाले यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो फकीर बस्ती जाने वाले जो रास्ते हैं यहाँ पहुंच चुका है यहाँ पे, और कब सुबह से काफ़ी तादाद पानी भर चुका है। तो हम अंदर बाकी की तरह हम जाकर दिखाने वाला है जिस तरह से हालात है फ्लैट के, धीरे धीरे बढ़ते हुए फ्लैट जो काफ़ी ख़राब है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई समुद्र नहीं है, ये रास्ते हैं, ये पथार है, ये फकीर बस्ती वहाँ पे एक गांव है, सुंदर सा गांव है, अभी काफ़ी डूब चुका है यहाँ पे। ऊपर वाला से दुआ करें जल्दी जल्द पानी सूख जाए, यही हम ऊपर वाला से विनती है।